like this, sides AB and AC and median of triangle ABC are respectively proportional to PQ and QR and median PM. तो यहाँ पे इसने डायग्राम दी नहीं है, हमको डायग्राम कोई वहाँ पे ड्रॉ करनी है, जो उसने क्वेश्चन बोला है उसको पढ़ के हमें वहाँ पे उसके डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसने बोला है साइड AB एंड AC आर मीडियन, साइड AB और AC जो है वो मीडियन है, तो पहले मैं ट्राइंगल ABC को वहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे उसने बोला है वैसे ही करना है। दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ABC वो मैंने ड्रॉ कर लिया और दूसरा ट्राइंगल है PQR, तो मैं यहाँ पे PQR को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे वो बोले वैसे ही आपको करना है, क्योंकि तो उसने डायग्राम दी नहीं है तो ये हमें खुद बनानी है। इसको मैंने नाम दे दिया ABC और इसको मैं नेम दे देता हूँ PQR। चलो आगे क्या बोला है, साइड AB एंड AC, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD, उसके अलावा एक मीडियन है AD। तो मीडियन क्या होता है पता है सभी को? क्या होता है मीडियन? मीडियन मीन्स सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड एंड विच डिवाइड्स अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, बराबर है? Yes, sir. तो वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड के ऊपर एक सेगमेंट बनाते हो, जो सेगमेंट अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये उसने बोला था AD नाम, तो इसलिए मैंने इसको AD दिया है। और दूसरे इसके कंडीशन में उसने क्या बोला है, AD और ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM। इसका मीडियन जो है उसका नाम है PN करके, तो वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया। और जो गिवन में दिया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन देखो वो क्या क्या बता रहा है, वो आपको लिखना है, ठीक है? साइड AB, AC एंड मीडियन AD और ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ प्रोपोर्शनल के हिसाब से। AB बाय PQ इक्वल टू AC by PR and equal to AD by PM, ठीक है? इस तरह से उसने गिवन में दिया है कि जो उसके AB है, AC है and AD है वो प्रोपोर्शनल है PQ, PR and PM के साथ। तो वही मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिया। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में लिख लेता हूँ जो प्रूफ करना है उसको। उसने बोला है टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो डायग्राम थोड़ी नीचे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, नीचे एक्सटेंड करने के लिए जगह नहीं छोड़ी, तो थोड़ा नीचे निकालना पड़ेगा मुझे। कोई हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सब स्टेप जो आप लिख रहे हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बाय पी क्यू, आपको जो स्टेप ईजी लगे उससे आप कर सकते हो। ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये हमें गिवन में दिया है। प्रूव करने के लिए उसने बोला है हमको कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है? और यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाला हूँ थोड़ा देखो, मैं यहाँ पे AD को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला हूँ इस तरह से, और जो एक्सटेंड करने के बाद पॉइंट आएगा उसको जॉइंट करने वाला हूँ C के साथ। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे इसने दिया हुआ है E, और इसको भी मैं उसी तरह से एक्सटेंड करता हूँ, और इसको भी ऐसे जॉइंट कर देता हूँ R के साथ। इसको मैंने नाम दे दिया है। अभी कंस्ट्रक्शन में एक हमारा रूल है, वो क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, मतलब एक कंडीशन है कंस्ट्रक्शन की, वो क्या है? एक्सटेंड, यहाँ पे लिख लोगे आप एक्सटेंड AD such that, AD को इस तरह से एक्सटेंड करो कि AD जो है वो इक्वल होना चाहिए DE के साथ, इस तरह से आपको एक्सटेंड करना है। उसके बाद सेम यहाँ पे इस साइड में भी एक्सटेंड PM such that PM is equal to MN, समझ में आया क्या मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? मैंने AD को एक्सटेंड किया इस तरह से कि AD जो है वो DE के साथ इक्वल होना चाहिए, PM को एक्सटेंड किया इस तरह से कि PM जो है MN के साथ इक्वल होना चाहिए, इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो मैं प्रूफ लिखने से पहले आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि फिर जब मैं समझाऊँ तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना, ठीक है? थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
ध्यान तो आ गया कि मैं समझा रहा हूँ कि आपको हमें एक्चुअल में यहाँ पे करना है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाने हैं तो सिमिलरिटी की कोई ना कोई टेस्ट वहां पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, बराबर है? यस। सबसे पहले हमारी एक टेस्ट है एंगल, एंगल वाली टेस्ट। तो एटलीस्ट दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ इक्वल हो। तो अगर हम यहाँ पे दो एंगल इक्वल दिखा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बट यहाँ पे एंगल के रिलेटेड कुछ मेंशन किया ही नहीं है, हमारे पास उसने जो दिया है वो दिया है साइड का रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो एंगल वाली टेस्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी टेस्ट जो हमारे पास में होती है वो है साइड एंगल साइड वाली, मतलब दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, या फिर तीनों साइड आपकी सेम हो जाए मतलब प्रोपोर्शनल हो जाए तो उससे भी आप कर सकते हो। ये हमने कुछ टेस्ट देखे थे, उसमें से कोई ना कोई टेस्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर अप्लीकेबल होती है तो आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। अभी मैं एक्चुअल में यहाँ पे करने क्या वाला हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ए बी बाई पी क्यू एंड ए सी बाई पी आर, इसका रेशियो ऑलरेडी इक्वल दिया है, दिख रहा है आपको? मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो कौन सा? अगर मेरा इसके बीच वाला जो एंगल है एंगल ए, अगर वो किसी तरह से पी के साथ इक्वल हो जाता है, मेरा जो एंगल ए है वो अगर मैं किसी तरह से पी से इक्वल दिखा दूं तो उस कंडीशन में मेरा ट्राइंगल बी ए सी या फिर ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के साथ सिमिलर हो जाएगा। कौन से टेस्ट से? साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब एस से एस क्राइटेरिया का यूज करके मैं उसको कर सकता हूँ। बट अभी उन दो एंगल्स को कैसे मैं इक्वल दिखा सकता हूँ, ये एक बड़ी बात है ना? तो किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कैसे हम इन दो एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा? छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा है वो? ए बी डी, दिखा क्या? मैं क्या करूंगा इस ए बी डी को इस ई सी डी के साथ में इक्वल दिखा दूंगा, दिखा सकता हूँ मैं? कैसे दिखाओगे? ए बी डी को ई सी डी के साथ अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, बताओ आपको क्या नजर आ रहा है उसमें कॉन्ग्रुएंट? यस, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, बिल्कुल बराबर है। और क्या मालूम है? AD equal to DE, बराबर है, हमने वो कंस्ट्रक्शन किया, बिल्कुल सही। और PC equal to DC, BD equal to DC, बराबर है, क्योंकि ये मेडियन है तो मेडियन साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो BD इक्वल हो जाएगा DC। समझ में आएगा सभी को? तो इस मेथड से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला ट्रायंगल इसके साथ इक्वल है और इसका सामने क्या यूज होगा वो मैं आपको समझाऊंगा जैसे जैसे प्रूव करते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है पहले लिख लेना, ए बी डी एंड डी ई सी, एंड डी ई सी, ए बी डी एंड डी ई सी के अंदर मुझे मालूम है ए डी इज इक्वल टू डी ई, कंस्ट्रक्शन है इसका रीजन, बराबर है। देन दूसरा हमारे पास में है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक साइड हो गई एक एंगल हो गया। उसके बाद में अगेन दूसरी साइड, दूसरी साइड कौन सी बची मेरी? बी डी इज इक्वल टू डी सी, है ना? इसका रीजन तो गिवन में आ जाएगा क्योंकि उसने बोला था मेडियन जो है वो, है ना? तो ये गिवन में आप लिख भी सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिवन के अंदर, तो थोड़ा ऐड कर देता हूँ, BD is equal to DC, ये हमको उसने गिवन में दिया हुआ है। सेम हियर आल्सो QM is equal to MR, बराबर है ना? क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर मेडियन वर्ड यूज किया और मेडियन का मतलब यही होता है जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसी को मेडियन बोलते हैं, और इसीलिए मैंने लिखा BD is also equal to DC। So by SAS criteria, यहाँ पे लिख लोगे by SAS, we can say that triangle ADB is congruent with, ये congruent होगा कि similar होगा बताओ जरा?
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे साइड इक्वल है, और जब इक्वल होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट का साइन आप यूज करते हो। देन ADB इज कॉन्ग्रुएंट विद EDC, बराबर है? Yes. और रीजन में ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, बाय SAS क्राइटेरिया ADB इज कॉन्ग्रुएंट विद EDC। अभी मैंने ये क्यों किया ये भी थोड़ा समझ लो, ADB को EDC से कॉन्ग्रुएंट दिखाने का क्या मतलब है? अगर ADB EDC से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है उसके सभी साइड्स, उसके सभी एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, बराबर है ना? Yes, sir. Yes. और इसी कारण मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि AB जो है वो EC से इक्वल होगा, yes or no? Yes, sir. क्योंकि मेरे ये दो ट्राइंगल इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा AB is equal to EC। समझ में आया? Yes, sir. तो जो मैंने इस ट्राइंगल इस फिगर के अंदर किया, मतलब ABC ट्राइंगल के लिए किया, सेम मैं यहाँ पे PQR के लिए करने वाला हूँ, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख लोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। हम क्या प्रूव कर सकते हैं? This triangle, कौन सा? PQM, triangle PQM, congruent with triangle, कौन सा हो जाएगा? NRM. NRM, बराबर, ठीक है? और इस condition में भी हम बोल सकते हैं PQ is equal to NR, सही है ना? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे भी reason लिख लोगे CPC. सभी को समझ में आया? Yes, sir. मैंने क्या किया? इस triangle को इस triangle के साथ congruent दिखाया? और जिस क्राइटेरिया का या फिर जिस मेथड का मैंने यहाँ भी यूज किया है वही मेथड से इसको भी करना है, तो अगेन उसको वही स्टेप्स डबल से लिखना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल विद दिस ट्रायंगल एंड देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल विद ईच अदर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. और इसके बाद हमें क्या करना? हाँ, कुछ डाउट है? No, sir. उसके बाद हमें क्या करना है? हमने ये दो ट्राइंगल्स इक्वल दिखा दिए, ये भी दिखा दिए, मेरा मेन मोटिव क्या है उसके ऊपर ध्यान दो, इन दोनों को इक्वल दिखाना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है ये जो मेरा कंप्लीट एंगल है वो इसके साथ इक्वल होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करना चाहूंगा इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के साथ इक्वल दिखाना चाहूंगा, ठीक है? तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये छोटा वाला एंगल, मतलब ये एंगल DAC अगर मुझे इक्वल दिखाना है MPR के साथ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ जरा? अपोजिट साइड इक्वल। इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो मेरे पास एक ट्राइंगल है कौन सा AEC, अगर मैं इसको PNR के साथ इक्वल दिखा दूँ, दिखा सकते क्या हम लोग? चेक करो जरा, AEC को अगर मैं PNR के साथ congruent दिखा दूं तो ये उसके corresponding angle हो जाएंगे, बराबर? Yes, sir. हाँ, तो वैसा हम कर सकते हैं क्या? चेक करो, देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, now in triangle, कौन सा triangle है ये? AEC and triangle PNR, ठीक है? इसको कैसे कर सकते हो थोड़ा सा हमें देखना है, तो AEC और PNR को हमें एक दूसरे के साथ इक्वल दिखाना है, उसके लिए हम इस रेशो का यूज करेंगे, देखो मैं पहले इस रेशो को लिख लेता हूं यहां पे एज इट इज, AB / PQ इक्वल टू AC / PR इक्वल टू AD / PM। अभी थोड़ा ध्यान देना हम लोग इसमें कैसे इसको थोड़ा उस रेशियो को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हमारे हिसाब से कैसे उसको ट्रिक कर देंगे वो थोड़ा सा देखो। मैं AB के जगह पे क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ मुझको? अभी मैंने जो इतना प्रूव किया इससे आपको क्या पता चला AB किसके साथ इक्वल है? AB जो है वो इसी के साथ इक्वल है, ठीक है? तो मैं AB के जगह पे इसी लिख सकता हूँ, PQ जो है वो किसके साथ में इक्वल है? NR के साथ, PQ के जगह पे NR लिख सकता हूँ। अभी AC और PR का तो कोई रिलेशन मैंने देखा नहीं है, तो उसको एज इट इज लिखता हूँ मैं, जैसा है वैसे लिखो AC एंड PR एज इट इज। देन AD और PM को मैं क्या लिख सकता हूँ थोड़ा चेक करो, AD
इक्वल है पीओ। ई अगर मुझे ये ए ई चाहिए तो ए ई ए डी का डबल होगा क्या? Yes, yes, क्योंकि मैंने अभी आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखा था ड्रॉ ए एक्सटेंड ए डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी लिखा है ऐसा मैंने। Yes, sir. मतलब ए डी से ए जो है वो डबल होगा, समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, तो मैं यहाँ पे ए डी की जगह पे टू टाइम्स ऑफ ए डी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. आप रेशियो को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पता है सभी को? Yes, तो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? No. चलो इसको मैं लिख लेता हूं पूरा कंप्लीटली, EC by NR is equal to AC by PR and then 2 times of AD, 2 times of AD मतलब कौन है? AE है ना? तो याद हो जाएगा AE and 2 times of PM कौन है? PM. PM तो याद हो जाएगा PM, समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. अभी हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, EC by NR देखो थोड़ा सा, EC by NR then AC by PR, AC by PR and then AE by PM, ये तो तीनों साइड हो गई हमारी है ना? Yes, और अगर तीनों साइड का रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारे दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, बराबर है? Yes, यहाँ पे देखो पाए एस 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 क्राइटेरिया और एस 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 टेस्ट और एस 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 थ्योरम, वी कैन से दैट ट्रायंगल कौन सा ए ई सी इज सिमिलर विद पी एन आर, बराबर है क्या? Yes, ए ई सी जो है वो PNR के साथ में सिमिलर हो जाएगा बाय SSS टेस्ट, और ये मैंने किस लिए किया था? इसके पीछे का मेरा मेन जो मोटिव था वो था इस वाले एंगल को इसके साथ इक्वल दिखाओ, वो मैं भी लिख सकता हूँ क्या? Yes, यहाँ पे लिख लोगे therefore EAC एंगल EAC is equal to NPR, बराबर है? Yes, इसका रीजन क्या लिखोगे? CPCT लिखोगे कि CPST लिखोगे? Yes, इसका रीजन ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मीनिंग समझ में रखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हमारे क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है ना, उसके कारण ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है? और अगर EAC इक्वल है NPR तो जैसे मैंने इस साइड में कंस्ट्रक्शन करके इसको इसके साथ इक्वल दिखाया, अगर वही कंस्ट्रक्शन में इस साइड में करूं तो ये वाला एंगल भी इससे इक्वल होगा, बराबर है क्या? Yes, sir. बट उसको इतना लंबा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पे लिखो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं बी ए डी बराबर है ना? Yes, sir. इस आल्सो इक्वल विद क्यू पी एम, ठीक है? देखो यहाँ पे EAC इक्वल हो गया NPR के साथ, BAD इक्वल हो गया 2PM के साथ। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ और 1 एंड 2 को ऐड कर दूँ तो EAC प्लस BAD हो जाएगा, बराबर है? Yes. और राइट साइड में हो जाएगा NPR और QPM, NPR प्लस QPM, तो EAC और BAD क्या हो गया? BAC और BAD हो गया BAC, यहाँ पे लिख दोगे एंगल BAC is equal to एंगल QPR, समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. तो इसका मतलब इसका जो एंगल मुझे इक्वल चाहिए था वो भी इक्वल हो चुका है, और मैं अभी लिख सकता हूँ कि BAC या फिर ABC ट्रायंगल इज सिमिलर विद ट्रायंगल, सिमिलर बोलने के प्रूव करने के लिए बोला था ना, ABC सिमिलर विद PQR, समझ में आया क्या? Therefore, triangle ABC is similar with PQR, कौन सा टेस्ट? SAS टेस्ट, ठीक है? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया क्या संबोधि? Yes, बाकी के बच्चे जिनको नहीं आया था समझ में आ गया सभी को? Yes, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है और इसमें आपको स्टेप्स थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने कौन सा कंस्ट्रक्शन किया और किस तरह से इसको किया ये आप कर सकते हो, इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा आपके पास सिंपल मेथड है तो उस मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई भी दूसरा मेथड आपके पास में जो आपको इजी लग रहा है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो,
ज्योमेट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं उनको सॉल्व करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैंने जिस तरीके से किया उसी तरह से करना, ये कोई कंपल्शन नहीं है आपके लिए। आपको अगर कोई और मेथड मालूम है जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो तो वो मेथड का भी यूज करो, ठीक है। और कोई डाउट है आपको इस एक्सरसाइज में? कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर कुछ अलग तरीके से करते हो, मेन है जो आप कर रहे हो सही होना चाहिए और आपका जो आंसर है वो भी बराबर आना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। कुछ भी रॉन्ग मत करो, नहीं तो कुछ भी किसी कैसे भी किसी को भी इक्वल दिखा दिया और हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बराबर करना है, कंस्ट्रक्शन अलग किया तो चलेगा बट आपका आंसर सेम होना चाहिए और मेथड्स भी सही होने चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें। यस, समझ में आ गया? यस सर। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बाकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए सभी ने। यस सर। यस सर। उसके साथ मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो, है ना। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके देख लेना, तो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैप्चर में आपको करना है, अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल दिए है, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा मेरे पास एक ट्राइंगल दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर, और अगर वो आपको बताता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर आपको ऐसा गिवन में दिया है तो ऐसी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, इन सबका आपको स्क्वायर लेना है। मतलब ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिए रहेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या गिवन रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा ए बी सी का, पी क्यू आर का, इधर से कोई भी एक साइड दी होंगी, जैसे ए बी दिया होगा, पी क्यू पूछा होगा आपको, मतलब या आप ऐसे आपके कोई भी तीन चार में से तीन वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, वो वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करोगे तो बाकी बच्चों की जो सिंगल वैल्यू है आप सिंपल वे में उसको सॉल्व कर पाओगे। काफ़ी सिंपल है ये थ्योरम, इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं एक्सरसाइज 6.4 में, तो उनको आप ट्राई करके देखोगे। कुछ शुरुआत के न्यूमेरिकल्स तो काफ़ी सिंपल सिंपल है, वैल्यूज पुट करके आपका आ जाएगा और सामने आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा तो आप थोड़ा सा उसमें ब्रेन यूज़ करोगे तो उनके वो न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर पाते हो। और जो क्वेश्चंस आपको थोड़े डाउटफुल लगेंगे, समझ में नहीं आएंगे, वो न्यूमेरिकल्स आप मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर पूछ लेना, चलेगा।